अमृतसर के छहरटा इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक गुट की और से दूसरे गुट के ऊपर गोलियां चला दी गई। वहीं ये सारी घटना वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित हरपाल सिंह ने बताया कि काफी दिनों से उक्त स्थान पर कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर अपना कारोबार करना चाह रहे हैं। सुबह भी वहां पर कुछ अज्ञात व्यक्ति पहुंचे और अपना बोर्ड लगाने की कोशिश की, जिसको रोकने पर उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। हरपाल सिंह ने कहा कि पुलिस के द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही, इसलिए इलाका निवासियों की ओर से पूरा बाजार बंद कर दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष की एक महिला ने बताया कि उसके बेटे को इन व्यक्तियों द्वारा घर से गायब कर दिया गया है, जो कि काफी दिनों से लापता है और उसके बेटे को हरपाल सिंह ने ही गायब किया है। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि उन्हें अमृतसर के छहरटा इलाके में गोलियां चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद में मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। ये जिहड़ा जिथे अज आपां खड़े आ बाजार दे विच, जिहड़े मेरे भरा दे गोलियां मारियां, जिन्हां ये हरपाल सिंह है, कल्ला इत्थे रहिंदा, इक इहदी बेटी आ 6-5 साल दी, ये दोवें सवेरे 9 बजे, सानूं इह पहलां पता ही, SHO साहब नूं शुक्रवार भी इतलाह दित्ती, उदने चलो नहीं आए, अं फिर उदन कहता जी एतवार 9 बजे इन्हें फिर सू पैना सू इन्हों की CID मिल जाती, SHO साहब ने फोन कर देने पर इन्हें कोई नहीं ढकया, गड्डिया ने नंबर साढ़े को नोट आया, हथियार इन्हों के इन्हें CD बनी जी, इन्हें मेरे भरा गोली मारी है और ये घर के सारे से कब्जा कर लिया और जबरदस्ती बोर्ड लाना चाहते हैं। एक इन्हों की हेल्थ क्लब आ, हेल्थ क्लब का 100-150 मोटरसाइकिल दोवें टाइम खलोदा और डबल वाले मुंडे आ, वो कोई परा नहीं करता, ये बड़ा धक्का रहे SHO साहब बड़े देर का कह रहे हैं, पर SHO साहब साड़ी कोई कार्रवाई साड़ी कोई गल नहीं सुनते रहे। अज भी सानू DSP साहब ने विश्वास दवाया भी इन्हों के बनती कार्रवाई जी 307-455 घर पैंती की जू, और मेरे भरा ना सारा समान तोड़ता, कोई समान नहीं वो घर का बचा जो नहीं तोड़िया, जो वो बच गया तो गुरु घर साहब की कृपा ना बच गया ना, वो सीधी गोली मारी है और गोलियां मारते रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन तो भी अं मंग करते हैं भी सानू भी यहाँ इंसाफ दिता जाए और इन्हों की गुंडागर्दी बंद की जाए। ये SHO साहब जो लगे दूजी वारी गोली चल गई, गुंडागर्दी दूजी वारी हो गई है, ये इंसाफ करते ही नहीं गए, ये धक्का ही करवाउंदे आ, इन्हां दी सहमति नाल सब कुछ होया क्योंकि इन्हां ने बार बार फोन कर दे रहे हैं। मेरे बंदे दी डेथ हो गई, मेरे बंदे दी जिद्दा तो डेथ हो गई, इन्हां ने मेरी जान मेरे पीछे बह गए, सानूं इह मैं दसां ना दी कित कमाई करके अंदर बह के रोटी खानी, मैनूं इह रोटी नहीं खान दिंदे इह सारे जणे, पिंड जिहड़ा दा लाली जिहड़ा दा भरा वा अपना भरा नूं मरवाउणा चाहुंदा वा, खुद अपने कोठे ते उहनूं सट ला के ते साडे जम्मे लाते उहदा सपाट दित्ता ने आ वा, आ उप्पर तीजी बिल्डिंग ते वेखो, मेरा मुंडा मैं रोनी, मेरा मुंडा एक मेरा मुंडा होने कितने गैप करता, यह बाजार इटे रोड़े मार के सारा बाजार बंद करवा के इन्होंने लड़ाई है हुई है दो ग्रुप्स आपस में, उस इटा रोड़े मारे है, थोड़ा एक जना जख्मी भी होया है, अज इतने मौके पर आके सारी पड़ताल कर रहे हैं, जो भी लीगल कार्रवाई हुई उस की जाएगी तो एक्शन प्रॉपर एक्शन लिया जाए। गोली चली दी, हाँ जी इन्फॉर्मेशन मिली हैगी है, बाकी वो भी वेरीफाई कर रहे हैं।